दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे बीटेक एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी कुछ ऐसे क्वेश्चन, वो भी मॉक टेस्ट। 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस वीडियो के अलावा। और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। तो जो क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी के, आपके इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आपको मिलेंगे, हर एग्जाम में जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं। तो शुरू कर दिया आपका पहला क्वेश्चन, आपका समय बर्बाद न करते हुए। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, जो कुछ किससे होता है, तो ये होता है बी से। ये जो बी से होता है, इसका जो रासायनिक नाम है इसका है थाइमिन। और जिसके उपचार हैं बचने के लिए, आपका चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेंढक में दांत होते हैं तो मेंढक के दांतों किस तरह के होते हैं? तो बताइए दोस्तों किस तरह के होते हैं। तो ये होते हैं आपके होमोडेंट की तरह। होमोडेंट होता क्या है? होमोडेंट के दांत जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं। ये ऐसे दांत होते हैं जो मसूड़े में धसे होते हैं, मसूड़ों के अंदर होते हैं दांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, स्टार्च से क्या संबंधित है? जो आपका स्टार्च है किससे संबंधित है आपका, वो आपका है ग्लूकोज से। ग्लूकोज है क्या? जो उसका रासायनिक सूत्र है, मैं ऐसा नाम लिखता हूँ, C6H12O12। सॉरी मैं ऐसे बता देता हूँ, C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र है। ये आपका शहद में पाया जाता है और इसे सबसे मीठा होता है, ये जो आपका ग्लूकोज है, इसका राइट आंसर ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, दांत का शिखर बना होता है तो इसका राइट आपका आंसर है डेंटाइन। डेंटिन होता क्या है? तो ये दांतों के अंदर पाया जाता है और जो एनामेल होता है वो दांतों के बाहर पाया जाता है। दांतों के अंदर पाया जाता है, दांतों के बाहर पाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका डेंटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्कर्वी, जो स्कर्वी रोग है विटामिन कौन से कारण होता है? जो विटामिन स्कर्वी है किसके कारण होता है? ये आपका होता है स्कर्वी सी के कारण। इसका रासायनिक नाम जो होता है आपका, रासायनिक नाम है इसका स्कार्बिक, स्कार्बिक। तो स्कार्बिक कह सकते हैं, दोनों 2 पॉइंट हैं आपके। इसका जो मुख्य सूत्र है उपचार जो है नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर। ना सुन चलते हैं, पेपिंस होता है तो आपके एक तरफ का एंजाइम होता है, एंजाइम। तो आज का आइटम होगा एंजाइम। एंजाइम जो होता है आपका, ये परावर्तित होता है प्रोटीन से, जो हार्मोन्स में मिलकर बॉडी के में विकसित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, और बीमारी से हमारी बीमारी सही में बीमारी से हमें बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है? तो यकृत आपका होता है, ग्लूकोज का आपको बताया था मीठा होता है ये, और जो यकृत तो आपका लीवर होता है। उसका राइट आंसर आपको होगा यकृत और मसल्स में, मतलब कि लीवर में और मांसपेशियों में। राइट आंसर आपको होगा थर्ड। ये लीवर में सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी लीवर, जो विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनामेल को कठोर बनाता है? तो और आपका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन होता क्या है? फ्लोरीन की कमी से मानव के शरीर में फास्फोरस की कमी होती है। कैल्शियम अत्यधिक इसके अंदर पाया जाता है, ये हड्डियों में ज्यादा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, ये रक्त के दबाव को नियंत्रित रखता है, पित्त का मुख्य कारक है। जो कारक है मुख्य पित्त कहाँ से होता है? ये आपका, ये तो आपका
पाचन तथा शोषण हेतु वसा इंसुलिन करने का। राइट आंसर आपको ये होगा। ये होता कैसे है, ये पित्त होता है आपका, वो लीवर से स्टार्ट होता है, छारी से, जिसका हम बेस कहते हैं, जल लवण सोडियम जो कार्बोनेट से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जन क्षमता में कमी होती है तो ये आपकी होती है विटामिन ई में। ये क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आपको कहीं कहीं नहीं मिलेंगे इसके अलावा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करना ना भूलें। पानी में घुलनशील होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन की खोज किसने की थी? तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको की थी आपने फंक ने। कब की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं आपके? तो नहीं होते हैं आपके न्यूक्लिक और तो डाइस। राइट आंसर आपका पोर। तो डीएनए का आपका होता है रेम्स, पोलो न्यूक्लियस, कई न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। अमीनो एसिड भी मिलते हैं आपको, प्रोटीन जो बॉडी मसल्स के मेटल में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनो सैकराइड है? तो आपके ये वही है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। राइट आंसर आपका, ये कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत मल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर जब बताया था मैंने अभी, लीवर जो यकृत होता है तो द्वारा बने पित्त जो निकलता है वो किसके द्वारा पहुंचता है और कहाँ पहुंचता है? तो ये होता है सिस्टिक डक्ट में, जो लीवर से बनकर सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से डाइसैकेराइड है तो ये क्या चीज है? ये आपका है माल्टोज। राइट आंसर होगा माल्टोज। तो दोस्तों ये थे के 15 क्वेश्चन। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, और वहां जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। रोज आपको आईडी अपडेट, 15 क्वेश्चन आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे।